हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम जानेंगे ड्रेंचिंग के बारे में, क्योंकि जो हम सोयल में जो मिट्टी जनित जो बीमारियाँ आती है, मिट्टी जनित जो रोग आते हैं, सोयल बोन डिजीजेज, या कभी कभी हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो उसके अंदर हमारे जो क्राउन पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तना गल जाता है, इवन निमेटोड आ जाता है, तो उसमें हमको ड्रेंचिंग का सही तरीका क्या है, किस तरह से हमको ड्रेंचिंग करनी चाहिए कि जो ये हमारी सारी बीमारियां हैं इसके अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है हमको उसका इलाज मिल सके। क्योंकि ऐसे फीडबैक आते हैं कि साहब हमने ड्रेंचिंग की, बहुत अच्छी फंजीसाइड की, लेकिन फिर भी हमको उसका अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिला। तो आज का पूरा वीडियो है कि ड्रेंचिंग हम कैसे करें। सबसे पहले हमको स्टोक सॉल्यूशन बनाना है, जैसा आपको इसके अंदर दिखा रहे हैं, स्टोक सॉल्यूशन, या एक साथ हम सारा सॉल्यूशन बना लेंगे। मान लो आपके 500 ml दवाई लग रही है 10 टंकी के अंदर, तो 50 ml बार बार नापने की बजाय जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है, इस तरह से हम एक साथ उसका पूरी दवाई का घोल बना लेंगे। 10 डिब्बे आप कोई भी नाप पानी लो, उसके अंदर दवाई डालो, इस तरह से उसका एक साथ आप घोल बनाओ। तो बार बार एक तो दवाई बराबर हर उसके अंदर बराबर जाएगी हमारी पंप में, या हर टंकी में, मैं टंकी बोलता हूँ उसको, नेपसेक स्प्रेयर को, तो उसमें बराबर जाएगी। स्टिकर मिलाना ना भूलें। जी हाँ, अगर हम ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी स्टिकर की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी जो दवाई को उसको स्प्रेड करने में बहुत आसानी रहती है उसको। और दवाई को जो भी स्टोक सॉल्यूशन है उसको हम अच्छे से हिलाना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम हमारा टंकी या पंप को भरें दवाई से तो उसको ज़रूर इस तरह से हिलाएं। और जैसा हमने इसमें से लिया है एक डब्बा, अभी जैसे 10 डब्बे हमारा घोल बन गया, तो हर टंकी में हम इस तरह से फिर इसका एक एक डब्बा जो घोल है वो डालते रहेंगे। अभी ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। जिस डब्बे से पानी नापा था उसी डब्बे से हम इसको जितना जितना नापा था उतना ही वापस पूरा भर के और हर पंप में डालते रहेंगे। कई बार हमारे पास में पाउडर में दवाई होती है लिक्विड की जगह, तो उसको आप एक साथ नाप सकते हैं, इसमें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50 ग्राम जैसे पर पंप की नापना तो बड़ा मुश्किल है, 50 ग्राम का वेट कहाँ से लाएंगे खेत के अंदर। तो हमारे पास में वेइंग बैलेंस होती है, उसमें आप एक साथ नापें उसको, जैसे आधा किलो दवाई डालनी है उसको नापा, बाल्टी में थोड़े से पानी के साथ में घोला और उसको एक साथ हमने मिला दिया। ये स्टोक सॉल्यूशन का एक दूसरा तरीका है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। एक तो हम 10 डिब्बे पानी में बना सकते हैं। एक 10 डिब्बे, मान लो मेरा 20 लीटर का पंप है, उसमें 200 लीटर पानी लग रहा है, तो मैं 200 लीटर का एक साथ घोल बना सकता हूँ जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे ये 200 लीटर का, जिनके पास सुविधा हो वो इस तरह से 200 लीटर के ड्रम में बना सकते हैं। आपके खेत में ये भी आप देख रहे होंगे, इसमें ये इन्होंने एक्स्ट्रा से पानी की पाइप लगाई हुई है, तो आपकी जो लेबर है उसकी एनर्जी भी बचेगी, इसमें मेहनत बचेगी, आप भी इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। ये आपका अभी घोल जैसे बन के तैयार हो गया है। तो 200 लीटर का एक साथ दवाई डाली, एक साथ हमने घोल बना दिया, तो हमको ड्रेंचिंग में बहुत आसानी रहेगी। स्टीकर मिलाना इसमें भी ना भूलें, चाहे हम स्टोक सोल्यूशन बनाए चाहे हम एक साथ घोल बनाएं, पूरा उसके अंदर उसी अनुपात के अंदर हमको स्टिकर जरूर मिलाना है, ये जरूरी है बहुत। क्योंकि जो हमारी जैसे अभी ड्रेंचिंग करनी है तने पे करनी है, तो तना सीधा खड़ा है, अब वहाँ पे दवाई कैसे जाएगी, तो इसलिए इसमें स्टिकर भी हमको साथ में मिलाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम स्टिकर मिलाएंगे। जितने भी बर्तन और आप इसमें यूज़ करें, सारे प्लास्टिक के यूज़ करें, इसको हिलाना है तो उसके लिए भी आप लकड़ी का डंडा लें। और जब भी स्टोक सॉल्यूशन में से हम दवाई लें, चाहे एक डब्बा लें चाहे हम उसको पूरा स्टोक सॉल्यूशन है, बार बार उसको अच्छे से हिलाना बहुत ज़रूरी है। खास करके जो हमारी पाउडर वाली दवाइयां हैं उसके अंदर, नहीं तो वो पाउडर नीचे जम कर जाएगा। मैं कई बार विजिट करता हूँ, देखता हूँ पत्ते सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं, मैंने साहब ये कैसे हुआ, बोले जी वो लास्ट वाली दवाई बच गई थी ना उसके कारण हो गया। तो उससे हमको फोटोसिंथेसिस का, पत्तों के जलने का डर रह सकता है, या दवाई का जो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे वो नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे से हिलाना, जब भी इसमें से स्टोक सॉल्यूशन में से या पूरे ड्रम में से हम दवाई लें उसको अच्छे से बार बार हिलाएं, फिर उसके अंदर से हम जो है दवाई हमारे पंप में डालनी है। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम दवाई लें बार बार हिला के लें, फिर हम उसको पंप में डालें।
पंप में डालने से पहले भी अगर 200 लीटर का सॉल्यूशन एक साथ है तो कोई बात नहीं है, अगर हमारा सॉल्यूशन एक साथ नहीं बना है तो पहले उसमें थोड़ा सा पानी डाल ले 3-4 लीटर, उसके बाद में फिर जो स्टोक सॉल्यूशन वाला एक डिब्बा जो पानी है वो डालें। तो ये सही तरीका है हमारा। अब हम आते हैं ड्रेंचिंग में। जब हमारा सारा ड्रेंचिंग करना होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, दवाई डालनी कहीं होती है डल कहीं जाती है। इलाज हमारे को दाएं पैर का करवाना था, बाएं पैर का इलाज हो गया, पता लगा बीमारी तो गई नहीं। तो ये जरूरी ध्यान में रखना है यहाँ पे कि तने पे अगर बीमारी है तो तने पे, ये मैंने इसीलिए ये वीडियो बिल्कुल स्लो मोशन में बनाया है जैसा आप इसमें देख रहे हैं, बिल्कुल तने पे ही दवाई गिरनी चाहिए। और इसके बहुत सारे जुगाड़ बना रखे हैं लोगों ने, जैसे जैसे अभी ये देखो इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, ये उसके जो आगे नोजल है ना स्प्रे पंप का, उसको निकाल के उसके आगे एक सिंपल 1 लीटर वाला डिब्बा जोड़ लिया काट के, और आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ये तने पे दवाई गिर रही है। तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं, मतलब जितना हम सावधानियां इसमें रखेंगे उतना ही हमको उसकी इफेक्टिवनेस हमारे फंजीसाइड की या जो भी हम इसमें इंसेक्टीसाइड कर रहे हैं, चाहे कोई आप निमेटीसाइड डाल रहे हैं, उसका आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमको जरूर ध्यान में रखना है, उतना ही हमारा जो मैं यूं भी कहूंगा दूसरे शब्दों में कि हमारा खर्चा बचेगा। खर्चा बचाना भी एक तरह से हमारी इनकम है। तो मेरा यही प्रयास रहता है, हर वीडियो में आप देखेंगे मैं यही कहता हूं कि जब तक हम जानेंगे नहीं उसको अच्छे से तब तक हमारा रिजल्ट भी पूरा नहीं आएगा, हमारा खर्चा ज्यादा होगा। तो खर्चा भी हम कर सकते हैं और हल्की सी दवाई से भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स मेरे हिसाब से आपको बड़े उपयोगी होंगे। और इसके साथ में ही अगर हमको पानी देना है इरिगेशन, जैसे आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो इरिगेशन आपको पहले देनी है। जब भी आप ड्रेंचिंग करें उससे पहले पानी दें, उसके 2-3 घंटे बाद ड्रेंचिंग करें। ऐसा नहीं हो आपने ड्रेंचिंग करने के तुरंत बाद पानी चला दिया तो हो सकता है वो जो दवाई है वो आपके रूट जोन जो जड़ क्षेत्र है उससे नीचे जा सकती है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जब भी हम पानी दें तो उसको पहले दे दें इरिगेशन जो भी देनी है जितना देर देनी है, उसके बाद हम ड्रेंचिंग करें तो हमारे को ड्रेंचिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। जड़ों में प्रॉब्लम है तो उसको उसी हिसाब से कर सकते हैं, आप डिब्बे से भी कर सकते हैं जैसा इसमें दिखाया गया है, डिब्बे से भी हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जो हमारे एक पौधे में पानी डालना है उसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग लगभग 25-30 ml से लेके 60-70 ml तक। तो ये मुझे लगता है ये मेरा वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा, आप मेरे पुराने जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बड़े पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को भी आप देख के और इसका इस्तेमाल आप अपने खेत में जरूर कीजिएगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है पूरा विश्वास है कि ये आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए, और आपके सुझाव हमेशा सराहनीय है मेरे लिए। आप मेरे को अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं।